Uh, हमें uh, देखने को मिल सकते हैं सरप्राइजिंगली आई वुड से अल्फा सरप्राइजिंगलीवन और निगमा गैलेक्सी का जो का है क्योंकि क्योंकि जॉनी हम लोगों ने बहुत बार सोचा था कि अल्फा सेवन और नावी जाएगी जॉर्जोपोल जॉर्जोल के नीचे डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट पाथ इन दोनों टीमों ने अपना ड्रॉप बदल दिया सो नाउ सुनाट बी सरप्राइज मिरामार जैसे बड़े मैप में अगर टीम्स अपने ड्रॉप्स बदल लें क्योंकि जस्ट अभी अभी हुआ इरांगल में जो सबसे स्टैंडर्ड मैप होता है उसमें अल्फा सेवन को हमने लिपोवा की साइड पर खेलता हुआ देखा है हमने अगर इस बार फ्लाइट पास उनका नहीं हुआ तो शायद वो कहीं और भी जा सकते हैं विच माइट एज वेल जस्ट पे Uh, I mean exactly, रहेगा तो हमारे एमवीपी exactly, थे हमारे सबसे ज्यादा डैमेज भी इन्होंने ही दिया है इनके पीछे आते हैं स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स के दो दिग्गज जिनकी हमेशा बात करते हैं जब भी स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं एक्शन और टॉप एक्शन दूसरे पायदान पर और टॉप तीसरे पर बिल्कुल एक्शन यहाँ नजर आता है टॉप यहाँ पर नजर आता है ऑर्डर तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिले थे रखा तो अच्छा है ही, वहीं पर और टॉप थ्री प्लेयर्स की अगर तो हम लोग ऐसा बात करें इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन पांच चार चार स्क्राई जो बैकबोन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत मजबूत है यहाँ पर इस की वो देखने को मिल रहा है स्क्राई हमें नजर आ रहे हैं टॉप तो हमें पता है काफी ज्यादा बेहतरीन प्लेयर हैं ही है ही हैं पिका भी इन सबके साथ ही रहते हैं काफी अच्छा खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं लेकिन

अपनी टीम के की स्टार्ट में उतना नजर नहीं आता बट गेम के अंदर प्रेजेंस अच्छे से फील होता है आई मीन डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छे से इनका प्रेजेंस फील होता है और मीरा मार में तो होगा हो ही होगा काफी ज्यादा होगा हाँ? हो हाँ, मीरा मार की हम लोग बात करें बट एक चीज जो अभी यू you नो know, हम लोग जब ब्रेक पर गए थे तो ऑब्वियसली वो तो पिछले गेम की हाईलाइट चल रही होती है उसमें एक चीज मैंने देखी कि प्लेयर्स का के कितने अच्छे, अच्छे रेगुलेशन पर तो लाइक कितने रेगुलेटेड स्प्रेस यहाँ पर प्लेयर्स के होते हैं काफी अच्छा कंट्रोल रहता है अपने वेपन का जो मर्जी वेपन यूज करें काफी अच्छा कंट्रोल रहता है और ये अच्छे कंट्रोल को ही हम लोग देखेंगे मेरा मार में क्योंकि और ज्यादा लंबा यहां पर दायरा हो जाता है फासला हो जाता है उसके अराउंड प्लेयर्स को खेलना है उसके के अराउंड यहाँ पर स्प्रेस फाइट्स जो कुछ भी आप बोलिए प्लेयर्स को निकालने सो वी विल हैव टू सी एज ऑफ व्हाट हैपन्स पिछली बार तो हमने देख लिया मिलिट्री बेस का सर्कल बन गया इस बार देखते हैं कि जोन इस बार एस सच क्योंकि मेरा हमारा कुछ मिलिट्री बेस वगैरह तो है नहीं, नहीं।, नहीं। तो देखते हैं <laughs> कि जोन किस डायरेक्शन क्या लॉस लियोनिस चुमा सिरा पिकाडो के एरियाज पर जाता है जो मेजर एरियाज है

गोलियां पड़ रही हैं अब I mean, देखिए <coughs> सॉरी देखिए काफी होगा जरूर यहां पर इन सब फाइट्स की हम लोग बात करें क्योंकि मेरा मार वाइब देता है एक ऐसे मैप की जो ऑब्वियसली हमें ऑबिस बर्फीला मैप होता है वो ऐसे मैप की वाइब देता है 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 जहां पर विंडो बहुत ज्यादा होती है। yes. अगर आप घरों के अंदर हो बिकॉज आपको सारी वहीं से लेनी है। कोई और ओपन से आ रहा होगा और उसको आप पिक कर सकते हो तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होगी एग्जैक्टली आई मीन काफी ज्यादा यहाँ पे इंडिविजुअल uh, और आ, आपके खुद के परफॉर्मेंस पे बात आ जाती है लेकिन चलिए परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे डिवाइस पार्टनर की भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ऑफिशियल डिवाइस पार्टनर जो कि वन प्लस सीरीज के डिवाइस है

ये जो है, जो फ्लाइट पाथ है वो पर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर... Right, पर डांटे लिखा हुआ हमें नजर आ रहा था उस जो कूप होती है उस जो मिराडो होती है सॉरी मिराडो के ऊपर बट खैर हम लोग जाने को तैयार है मिनाजल सुर से लेकर लाखों बरेरिया के एरिया तक ये फ्लाइट पाथ जाता है नाउन दिस फ्लाइट पाथ A lot of पर जो क्या वो होगी या फिर क्या अभी भी कुछ अलग जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम जा तो सकता था जॉर्ज बोल था गाड़ी ले लेते कहीं से चले जाते बट खेर उन्होंने लास्ट मूवेंट पर डिसाइड किया वहीं पर हम फिर इसके प्लेयर की बात करें वेलदलमार्क के एरियाज ये लोग लेते तो हुए नजर आएंगे हमें चुमासेरा के अराउंड इन्फिनिटी दिखाई देती है प्लेयर्स उतरना शुरू कर चुके हैं और वहीं पर विनर बाचे हमें लॉस लियो ने सबसे बड़ा शहर उसे लेकर आ जाते हुए नजर आने वाले एग्जैक्टली exactly, और जैसा आपने अल्फा 7 का एक मुद्दा उठाया उसी एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ड्रॉप लोकेशन चेंज हो रहा है तो कहां पे जाके अल्फा 7 की टीम so, लैंड करेगी और वहां से गेम को स्टार्ट करेगी वो वो लोग एल ही जाने वाले हैं। I feel, ये मैप अपने में रखना चाहते हैं ये मैप मैप वो वो अपने में रखना चाहते हैं पिछला अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हो गया।, हो गया हो गया हो गया जो था हो चुका है बट uh, अब बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन हाउसोन सैन मार्टिन ये क्योंकि सैन मार्टिन नहीं छोड़ेगी वो जिद्दी है सैन मार्टिन के लिए उनका घर है सैन मार्टिन वो लोग सैन मार्टिन नहीं छोड़ेंगे ऐसे में अगर सदन सर्कल गया तो सोचिए कितनी दिक्कतें नॉर्दर्न साइड की टीम्स को हो सकती है ये ये जोन को ही मैं बता रहा हूँ नीचे ही खींच रहा है बार बार जो गोले हैं वो नीचे खींचे जा रहा है पहला सर्कल हमने देखा नीचे की तरफ को गया था ये वाला सर्कल हम देख रहे हैं निगम गैलेक्सी दे आर तेयर काश हमें इस बार एक बार सर्कल दिखाया जाता काश हम लोग उसकी बात कर सकते जो यहाँ पर चेंजेस टीम्स ने अपने ड्रॉप्स के अराउंड किए हैं

ट इस समय लॉस लियोनिस पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है क्योंकि पावर ग्रेड मॉन्टेनो को फोर राइवल्स ने पकड़ रखा है इस गेम के अंदर तो 6 -8 ने सही यहां पर डिसीजन लिया कि सीधा लॉस लियोस का एरिया उन लोगों ने होल्ड कर दिया इनफैक्ट लॉस लियोस तक चले गए वो लोग काफी जल्दी उन लोगों को वहीं पर भी लूट मिलना शुरू हो चुके है लॉस इतना बड़ा शहर है कि वो दो टीम्स को तो आराम से ले, सक, ले सकता है वहीं पर फेनर बाचे भी आती है और वहीं पर सिक्स टू एट भी आती है दोनों टीमें लॉस लियोनस में हमें नजर आ रही है नेक्स्ट वे

वेरी गुड एरिया लेकिन चलिए इन दिग्गजों की भी बात कर जिन्होंने काफी अर्ली रोटेशन दिखाया और ऑलरेडी काफी करीब पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट सिटी को एंटर भी करने वाले पिछले मैच में इनकी काफी इंटरेस्टिंग फाइट हुई थीट yes. के

जो टीम बैलदल मार गई थी फ्यूरियस गेमिंग वो तो अराउंड टू द तो द सदर्न साइड ऑफ सर्कल ऑलरेडी हमें आते तो है नजर आए है। टीम अगेन लेट रोटेशन करते हैं ये लोग वो लेट रोटेशन ही करने वाले हैं ये लोग क्रूज लेवल पर अभी भी हमें नजर आ रहे हैं सर्कल आ रहा है इनको अभी फर्क नहीं पड़ता आराम से गाड़ियां वगैरह ढूंढेंगे एक गाड़ी आएगी इनको मिल चुकी होगी वाटर ट्रीटमेंट तक एक प्लेयर कभी कभी आ जाता है गाड़ी लेने के लिए बट उन्होंने देखा होगा कि वाटर ट्रीटमेंट पर एक टीम उतर गई जो कि गॉड लाइक है तो वो लोग अभी वहां पर नहीं है हालांकि इन सब चीजों के बीच में अगर हम लोग बात करें की वो खाली हो चुका है क्योंकि एस टू जी ऑलरेडी वो लोग मूव करके पेकाडो पहुंच चुके हैं तो वाटर ट्रीटमेंट के एरिया से अगर अभी गॉड लाइक जाना चाहे दे हैव अ वेरी गुड ओपनिंग जहां से वो लोग मूव कर सकते हैं लेकिन सैन मार्टिन का जो हिल है स्टालवर्ट वो हिल पकड़ चुकी है आज सो मोस्ट ऑफ द टीम्स अपनी स्ट्रैटेजीज में थोड़ा बहुत उन्होंने बदलाव किया बट वो भी इसी चीज़ के लिए क्यों ना उनको कंफर्टेबल लगे जी हाँ आई I मीन mean, ये रोटेशन वाली टीम्स की देखना होगा कि किस तरह से जो बदलाव जैसा आप ओशन मेंशन कर रहे हैं थोड़ा कंफर्ट जोन में और अच्छे से रहना चाहते हैं वो आ, ये चेंजेस कितना ज़्यादा इनफैक्ट बड़ा रिजल्ट डिलीवर करते हैं गेम के एंड में ये मैं देखना चाहूँगा बट चलिए परस्पेक्टिव चेंज की थोड़ा बात करते हैं लॉस लियोनस में हमने आपने भी स्टार्टिंग में मैंशन किया सिक्स टू एट ने अभी थोड़ा दबदबा बना के रखा हुआ है अब काफ़ी सारी टीम्स उस सिटी को कंटेस्ट करने वाली है ऐसे में ओशन मेरे को ऐसा लगता है कि सिटी के सेंटर में रहना एक बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है आपको एज वाली फाइट ज़्यादा देर तक आपको अवॉइड करने का एक ऑप्शन रहता है लेकिन सिक्स टू एट के प्लेयर्स सिटी पे फैल चुके हैं और अब काफ़ी सारी टीम्स एकदम से उनके बहुत करीब पहुंचने वाली है क्या लगता है क्या होगा वहाँ 628 मैं सिर्फ 628 के लिए चिंतित नहीं हूं मैं हूं डेम के लिए भी चिंतित oh yes. वो टीम भी बहुत ज्यादा ऐसे सर्कल के अराउंड सेंट्रल एरिया होल्ड कर चुके और उनका सेंटर है चुमा से और लॉस दोनों के बीच, बीच में ओपन स्पेस तो खुद सोचिए टीम्स उनके अराउंड से कोई लॉस जाती हुई टीम भी एकदम से अगर चेंज कर ले अपनी रोटेशन तो सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट उस टीम के लिए हो सकता है निकमा गैलेक्सी मीन uh, वेल हमें नजर आ रही है जाती हुई अल्पोजो की साइड से स्टार्ट करते हैं बट निगमा गैलेक्सी अकेली नहीं आप देखिए अल्फा सेवन के साथ साथ ये लोग मूव कर रहे हैं और वहीं पर ऊपर नावी के प्लेयर्स ये लोग तो जाते हैं लाक पर लाक से सीधा अब सर्कल के अंदर आना ये लोग शुरुआत अपनी कर रहे हैं वहीं पर स्टालव इस चीज के लिए हमेशा हर कोई चिंतित रहेगा जो भी इनके अपर साइड वाली टीम्स है स्टालवर्ट की कि ये लोग वो हिल पकड़ करके रुक जाते हैं खैर अब ये भी जाना शुरू कर चुके गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम बैठ चुके हैं ये प्लेयर्स सो दे आर मूविंग फॉरवर्ड एज वेल बट इन सबके बीच में अगला सर्कल बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है टीम्स के लिए एग्जैक्टली exactly, अगले सर्कल की शिफ्ट अगर एक बार फिर से बिल्कुल लॉस भी पे गई तो टीम्स के लिए शहर को कंटेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनफैक्ट हर एक बीटते मिनट के साथ ऑलरेडी और ज्यादा प्लेयर्स शहर के अंदर कॉम्पाउंड अपने लिए सिक्योर करने की कोशिश ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं गॉड लाइक आते हुए हमारी स्क्रीनस पर अब फाइनली वाटर ट्रीटमेंट्स से आगे सर्कल की तरफ बढ़ना इन्होंने शुरू किया है और ये अकेले नहीं है इन्हीं के साथ साथ नावी और टीम सीक्रेट की टीम्स ने भी अपने अपने कदम बढ़ाए हैं आगे एज पे हो सकता है कि पिकाडो की तरफ स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट कुछ कोलिजन देखने को मिले बट वो पाथवे जब हमारे पास क्लियर आ जाएगा मैप जब हम देखेंगे तब ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly टीम्स क्या रूट क्या जो रास्ता है वो चूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप फोर ड्राइवल्स को देखिए ये लोग तो सेरा पर पहुंच चुके हैं जहां पर इन्फिनिटी पहले होती थी एयर ड्रॉप है यहाँ पर लोगन रुके हैं उनको एयर ड्रॉप चाहिए ही चाहिए जो कि एक अच्छी चीज भी है देखिए अगर आपको एयर ड्रॉप मिल जाए तो क्या ही खराब है उसमें लेवल थ्री डेफिनेटली उनके पास आ चुका है बट क्या वेपन उठाने वाले हैं ये या नहीं ऑलरेडी वेपन तो अभी तक नहीं पिक किया है निगमा गैलेक्सी फ्रॉम अराउंड द सर्कल ये लोग अब मूव कर रहे हैं इनको पता चल चुका था कि अल्फा सेवन जो इनके लिए पोटेंशियल थ्रेट एलपोजू में बन सकता है वो अभी भी इन्हीं के आगे है आप देखिए ये जस्ट एरिया स्काउट आउट कर रहे हैं राउ आप देख सकते हैं व्हीकल के अंदर थे तो ऊपर जा रहे हैं बट ये सर्कल अगर एक शिफ्ट मार गया ऑलरेडी दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है लॉस्ट लियोनिस के पीछे और पुअर्थराइजो तो के पीछे अगर ये सर्कल गया देखिए डायरेक्शनल शिफ्ट अच्छा है लॉस पुअर्थोपराइजो तो की तरफ डर के प्लेयर्स दे दे हैव अ क्लियर एंट्री इनसाइड द जोन कोई दिक्कत नहीं होगी बट ऐसे में अब गॉड लाइक -like को मैं तो बोलूंगा कि उनको सीधा एंटर करना ही चाहिए सर्कल उनके सामने बहुत ज्यादा ओपन एरियाज हैं वहां से एंटर करिए और सर्कल के अंदर एक बहुत अच्छा सेफ स्पॉट पकड़ लीजिए डेफिनेटली दैट कैन वर्क आउट बट लुक एट देम राइट नाउ जस्ट स्टिल फाइटिंग द ब्लू अभी तो ब्लू जोन से बाहर एक सेफ एरिया में पहुंचेंगे और उसके बाद एक्चुअल सर्कल तक भी सफर तय करना है गॉड लाइक को और देखना चाहूंगा कि इनके आसपास की जो टीम्स है उनके अगेंस्ट क्या, क्या कोलिजन होता है कि नहीं और इनफैक्ट सर्कल पे पहुंचने के बाद किस तरह का अप्रोच गॉड लाइक की तरफ से रहने वाला है बट जैसा आपने डाजेवियर की बात करी आई थिंक काफी अच्छा एडवांटेज उनके पास है अगर वो पोर्तो पोसियों तक पहुंच के वहां पे कंट्रोल ले लेते हैं क्योंकि ज्यादातर टीम्स इस समय सर्कल के वेस्टर्न जो हाफ है सर्कल का वेस्टर्न हाफ है वहीं पर कंटेस्ट करती हुई नजर आ रही है और वहीं पर सबसे ज्यादा फाइट्स होंगी

बिल्कुल फर्स्ट पे यहां पर आता हुआ नजर आया लेकिन आ, आ, जो फर्स्ट पे आया काफी ज़्यादा बेहतरीन मिले थे इस बार जान के भी वो एग्रेशन ऐसा नहीं दिखा जाते उनप बैकफायर कर जाए और रास्ता क्लियर कर दिया उनको आगे जाने के लिए जब वन के सामने से आ रहे थे बट एक स्मोक किया अफाविया ने उनको लगा कि शायद उनको पीछे से कहीं से गोलियां पड़ सकती हैं तो रुके खुद को हील किया

इम्पाला के वेस्ट में जो एरिया होता side by है साइड साइड बाय एक दूसरे वहां एक पे कंटेस्ट होगा ये अगर लड़ाई होती है तो ये काफी ज्यादा काफी ज्यादा होने वाला ये थी। थी। ये ये अच्चे। अच्चे। है ये ये देखिए देखिए बट मैप पे नजर डालिए ये ये हुआ है गॉडलाइक गोडला, के प्लेयर्स एंड जी गॉड बिल्कुल ओपन में फंसे हुए हैं उनकी व्हीकल को ब्लो अप कर दिया गया है जाने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है जी गॉड के पास बस एक ही चीज कर सकते हैं सर्वाइव करें बट ना भी आती हुई थर्ड पार्टी हो चुका है इस फाइट में एक्टली साइड पर साइड हो रही है लेकिन इसमें सालवर्ट को नुकसान है क्योंकि टॉप बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं टॉप बहुत ज्यादा आगे आ चुके थे। और टॉप ने चीज समझ ली धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं अपने का पूरा ध्यान उनको दो तीन प्लेयर जो वहां पर है, उनको ये लोग चकमे में लेकर के आ सकते हैं तो इन प्लेयर्स को देखना पड़ेगा कैसे लोग फाइट बट नावी के प्लेयर और आप देखिए वहीं पर सालवर्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं बट जी गॉड को पिक किया जाएगा दूसरा पिक इस गेम का बनते हुए एक और प्लेयर शायद आगे जाकर के पिक हो सकते हैं गॉड लाइक -like के देखना पड़ेगा कि वो फाइट के अंदर आते हैं नहीं देखिए नियो को भी पिक किया जाता है इस जगह के अंदर yeah. तो क्योंकि उनके पीछे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स है टीम सीक्रेट उनसे फाइट लेना चाहती है गॉड और जॉनथन आगे की तरफ को मूव करेंगे बट सर्कल सर्कल इस समय क्या मंजूर है जोन को वो एक बात आती है पानी के एरियाज के अराउंड यस अभी भी पानी के एरियाज के अराउंड है और अभी भी गॉडलाइट टीम सीक्रेट साल्वट उनकी दिक्कतें ये है कि सर्कल में वो लोग नहीं है ऐसे में आप क्यूरियस गेमिंग को देखिए जोन का कितना ज्यादा सर्दन एरिया उन्होंने होल्ड कर इन्फिनिटी को देखिए कितना ज़्यादा एरिया उन लोगों ने होल्ड कर रखा है। और फ्यूरियस काफी देर से वो पोजिशन अपने की लड़ाई को नॉकआउट किया जाएगा नियो का जो फिनिश है वो वहां पे सिक्योर किया टीम सीक्रेट के प्लेयर ने और यहाँ पे टीम सीक्रेट के लिए एक चीज बोलूंगा मौके का सही फायदा उन्होंने उठाया जब ये तीनों टीमों के बीच में हल्का सा क्लैश हुआ टीम सीक्रेट ने हर चीज को इग्नोर किया सर्कल में पहले चलते बाद की बाद में देखेंगे खैर सालवर्ट के प्लेयर्स अराउंड ज़ोन अब ये लोग भी मूव कर रहे हैं आई नो कितना कारगर इनके लिए अब रहेगा क्योंकि ये लोग बहुत पीछे हैं। आई बिलीव ये गेम शायद अपना ना बना सके अगर ऐसी जोन के बाहर रहते रहे बार बार क्योंकि फाइट्स अच्छे निकाल रहे टीम्स को दिक्कतें दे रहे हैं बट खुद को सर्कल के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोग अभी के लिए तो उसके लिए इनको चार्ज इन मार्च इन कुछ तो करना ही पड़ेगा और एसू जी के प्लेयर्स अगर इनकी बात करें इनका एक प्लेयर अभी थोड़ी देर पहले पिक हुआ था डेमो के प्लेयर्स के द्वारा हमें एक प्लेयर पिक होते हुए नजर आए जरूर थे एंड जो हमें दिखे थे पिक होते हुए बट अब टीम सीक्रेट अराउंड द जोन ये लोग भी मूव करना चाहते हैं सर्कल के अंदर आना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बंद करके बैठा हुआ है अगेन 16 की 16 टीमें अभी भी जीवित हैं और टीम सीक्रेट शायद एस टू जी को देख रही है क्योंकि सर्कल के अंदर ये लोग okay. हैं नहीं और सर्कल के अंदर S2G वो वो लालच लालच बन जाती है वो वाले घर अब इनके लिए एग्जैक्टली exactly. और अब मैं बोलूंगा इस गेम में बहुत ज्यादा मजा आएगा एकदम से क्योंकि ये जो जो लॉस के साइड पे पहाड़ होते हैं वहां पे कॉन्टेस्टेशन काफी अमेजिंग तरीके से टीम्स के बीच में देखने को मिलेगा एक्शन को देखिए टिके को स्पॉट आउट तो किया लेकिन वो बग्घी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज और टिके बचने में कामयाब स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स अभी भी किसी ना किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं ये प्लेयर्स की नावी को थोड़ा और परेशान करें एक और पिक अगर निकलता है उस टीम की तरफ से तो वो इन्हीं के पास आए नावी के प्लेयर्स धीरे धीरे वो जो जो फाइव स्टोरी रहती है उसके पीछे से आप देखिए लोग मूव कर रहे हैं बट अराउंड द जोन ही इनका मूवमेंट आप देखिए सर्कल के अराउंड किस तरीके से इनके ऊपर शॉट्स आ सकते हैं यस डेफिनेटली इनके ऊपर के प्लेयर्स शॉट्स दे रहे हैं जहाँ पर डैमेज बहुत ज्यादा एक प्लेयर को दिया गया था खुद को सेफ पाएंगे बट वहीं पर और भी प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं जो नोवा के हो सकते हैं थोड़ा सा पीछे बढ़े यहाँ पर टेक्सी अगले प्लेयर हो सकते हैं जो शायद कैजुअलिटी बने उनकी बगी बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आ चुकी थी बट वेल

जिसमें फायदा हुआ है अभी अभी इन्फिनिटी, गैलेक्सी निगमा गैलेक्सी और फ्यूरियस गेमिंग का अल्फा सेवन को भी चली मैं बोलूंगा काफी ज्यादा फायदा हुआ है उनको भी कोई कंटेस्ट नहीं करेगा रोटेट करने के लिए बट ये जो टीम है अभी तक लड़ाई कर रही थी ये अब ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा लेट हो चुकी है इनको बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी क्योंकि सार्वर ई स्पोर्ट्स नावी नोवा की बात करें ये भी हिल्स पे थोड़ा सा लेट हुए थे डाजेवियर के प्लेयर्स को क्लस्टर से होते हुए गुजरना पड़ेगा फेनर बाचे भी उसी लिस्ट में आती है सर्कल के एज तक तो पहुंच गए लेकिन आगे मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इन टीम्स के लिए टीम सीक्रेट पहुंची जरूर और वहीं पर आप देखिए फ्यूज गेमिंग के प्लेयर्स थोड़ा सा अपर एज होल्ड करके बैठे हुए हैं रिप सेवन ने एक प्लेयर को पिक किया जो डजेवियर के थे दैट मीनस डजेवियर अब और दिक्कतों में धीरे धीरे पड़ती हुई नजर आएगी टीम सीक्रेट सरप्राइजिंगली इस बार थोड़ा ज्यादा मैं बोलूंगा एग्रेसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं ग्रेनेड्स की जरा मतलब टीम सीक्रेट को पता चल गया कोई प्लेयर तो उनके करीब रहेगा और काफी एक प्लेयर को पिक करेंगे जरूर यूएम का इस्तेमाल करके लेकिन उनकी खुद की लोकेशन यहाँ पर रिवील हो चुके है गलत डायरेक्शन में इस समय के लिए देख रहे बट एक नीड अगर उनके पीछे आता है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं पैरा बॉय इनफैक्ट सिक्स के टॉप को पिक करेंगे पिछले गेम का बदला मैं बोलूंगा हल्का फुल्का लेने की यहाँ पर कोशिश हो जरूर

पिक करें बट वेल नो उनका पूरा ध्यान टीम सीक्रेट के ही ऊपर आई मीन एस टू जी के प्लेयर्स आए उन्होंने इस का मुआयना किया देखा कि क्या चल रहा है और अपने रास्ते पे वापस चले गए बट दूसरी तरफ ओशन फोर राइवल्स करीब करीब आई I मीन mean, इस गेम से बाहर ही हो चुकी है इनफैक्ट टीम और लगातार दूसरा गेम काफ़ी ख़राब जाता हुआ फोर राइवल्स के लिए एल्फा सेवन के अगेंस्ट उनकी फाइट हुई थी हमने देखा था उस उस फिनिश फीड के ऊपर किस तरह से अल्फा सेवन के प्लेयर्स ने वहाँ पे उनको बाहर किया था बट स्टार वोड ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देखिए डामॉन के काफी करीब से गुजर रहे हैं, और डामॉन पहले से ही डिस्ट्रैक्टेड है डाजेवियर के दो प्लेयर्स इनकी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं फ्रैंकी और लैम्बर तो किया है बूस्टर्स भी लगाए हैं, एचपी वापस से 100 होने का इंतजार कर रहे हैं बट दूसरी तरफ इनके जो टीम डा, उनको डाउन किया जाएगा डा, परेशानियों में घिर चुकी है जो सर्कल का एज होता है उस पर यहाँ पर अपना दबदबा बनाना था सर्कल के अंदर जाने की कोशिश ने भी करी और साथ के साथ मैं बोलूंगा ये कोशिश नजर आई हमें गॉडलाइक की तरफ

कोफ बॉल जहां पर देना मुझे लगता है तैयार रहेगा जरूर सर्कल जिस तरीके से जाएगा क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा जोन दे रहा है अभी तक निगमा गैलेक्सी के घर में सर्कल है इनको पहले गेम में भी टॉप थ्री मिला था इस गेम में तो पूरा सर्कल मिल रहा है निगमा गैलेक्सी को आ, कितना मेहरबान मैं बोलूंगा यहाँ पर जोन बन चुका है और कॉड लाइक का एलिमिनेशन होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आता है तेरह टीमें बची हैं तेरह टीम है अभी बची अड़तीस प्लेयर्स सीक्रेट का बोलबाला हमको उस पोजीशन में नजर आया नोवा के प्लेयर्स एट के प्लेयर्स को अभी भी काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं रोटेशन के बीच में दोनों टीम्स के बीच में एक क्लैश हुआ था देखते हैं डामवान और डाजेवियर की इस फाइट में कौन आगे सर्वाइव करता है फावेन उनके टीम सॉन्ग उनके काफी ज्यादा करीब थे और उनके जैसे ही पास गए आई थिंक देने की इंटेंशन थी बैकफायर कर गई क्योंकि दूसरा एंगल से स्पॉट आउट हो गया और इंस्टेंटली डाउन वन भी गेम से बाहर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ओशन 14 टीम थी गेम के अंदर अब ग्यारह बिल्कुल अब ग्यारह टीम है बत्तीस लोग यहाँ पर जी विथ किंग उनको भी पिक किया गया बट जिमी डेफिनेटली शायद उनको रिवाइव यहाँ पर दे देंगे बट पैराबो को देखिए कितना अलग घूम रहे अपनी टीम से सिक्स टू एट के जुदावशी है उनको पिक करने की उनकी कोशिश होगी माफीओज हो एक पेर को पिक करेंगे और एक्शन आ चुके पानी के अंदर ये पानी के अंदर पिछली सीट पर बैठना चाहेंगे वहीं से यू नो जो टीवी भी एंगल रहता है वहाँ से प्लेस को देखने की कोशिश शायद हो सकती है बट वेल एक्शन तैरना शुरू कर चुके हैं डेफिनेटली ये अकेले तो नहीं थे इनके साथ साथ पिका भी सर्वाइव कर रहे हैं फिर भी

सर्कल शोर लाइन तक बने ये टीम्स का यहाँ पर अप्रोच होना चाहिए शोर लाइन के अराउंड जोन बने तो तो टीम्स अगर पानी में में है तो वो वहां से है से ऊपर निकलना बट ऐसे में फायदा कुछ भी हो जाए जाएगा निकमा निकमा किसी को तो है ही है जिस तरीके से वो लोग हमें वो प्लेयर्स इनफैक्ट हमें नजर आ रहे हैं नौ टीमें तेईस लोग अभी भी जीवित यहाँ पर और टीम सीक्रेट के प्लेयर्स वो भी पिक्स निकालते नजर आ रहे हैं का एलिमिनेशन एक और बार यहाँ पर होता हुआ ज्यादा अच्छे दिन मैं तो बोलूंगा उनका अभी के लिए गया नहीं है हालांकि इन्फिनिटी अपना दिन अच्छा बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं बट अल्फा सेवन को देखिए एक ही गेम में वो अब अभी अगर हम लोग की बात करें सातवें पायदान पर आ चुके जो दसवें तक थे मुझे लगता है पिछले गेम तक वो थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं और और भी फाइट्स निकालते नजर आ रहे हैं जंपर ऑल राइट रिवाइवल दे तो देंगे बट देना निगमा गैलेक्सी वो वहीं पर है ऊपर के एरिया पर सो जोन लेट्स सी इस बार जोन का श्रिंक हमें किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है शोर लाइन की हम लोग बात कर रहे थे सो प्रोबेबली शोर लाइन के अराउंड अगर सर्कल हुआ तो ये तो मैं बोलूंगा बीच पार्टी नजर आएगी मेरा मार्क के अंदर ये रही बीच पार्टी है और निगमा गैलेक्सी के घर पे ये पार्टी अब हो रही है दैट्स द वेन्यू राइट नाउ जहां पे सबको पहुंचना है और ये एक बहुत डिफिकल्ट अप्रोच रहेगा अल्फा सेवन के पास चलिए थोड़ी बहुत बॉडीज उनके पास अवेलेबल है दो प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करें और कंफर्टेबल पोजिशन भी है इस अप्रोच से कि वो सवाइव करने के बारे में अगर सोचे अगर थोड़ा ओवर ईगर हुए अपने अप्रोच को लेकर तो ऐसा ना हो कि निगमा गैलेक्सी उनको स्पॉट आउट कर ले और अल्फा सेवन जल्द ही इस गेम से बाहर होती हुई हमको नजर आए देखते देखते चार टीमें ग्यारह प्लेयर्स इस गेम के अंदर हमको नजर आते हैं स्पोर्ट e भी गेम से थोड़ी देर पहले ही बात बाहर हुई है उनके पास सिर्फ दो फिनिशर्स आए थे इस मैच से बट वो पहले गेम का जो एडवांटेज था जो सेफ्टी क्वेश्चन था उसको आप देख सकते हैं में कितना बड़ा रोल प्ले करता हुआ बट बटनिकमा गैलेक्सी के लिए भी सेम चीज जो टॉप टू फिनिश था वो अब एक अच्छा एक अच्छा कन्वर्जन को दिखाएगा चारों के चारों प्लेयर्स निकमा गैलेक्सी के मौजूद है सर्कल के अंदर एक बहुत एडवांटेज स्पॉट उनके पास है बाकी टीम्स के पास बचता है बस एक ही ऑप्शन कि इस शोर लाइन से पानी के अंदर किसी तरह डाइव मारे जैसे राउफ को भेजा गया है इवन दो पूरी की पूरी टीम अभी भी सर्वाइव करी आई थिंक थोड़ी एक्स्ट्रा एक फिनिश निकाला वहाँ पे जमकर का रफ ने फिनिश तो निकाल लेकिन अब आप, आप देखिए उनके ऊपर ही शॉर्ट्स पर आ इन्फिनिटी भी आ चुकी है लेकिन बहुत गलत जगह पर आई है पानी के अंदर सारे प्लेयर्स जा चुके हैं ऊपर निकलेंगे तो दिक्कत और टीम क्रिकेट के आई शॉट्स अगर यहाँ से थोड़ी बहुत गोलियां चलाते हैं उनके लिए वो दिक, अपने दिक्कतें बना सकते हैं और इफिनिटी पानी के अंदर जाना

आई don't बिलीव uh, ज़्यादा शायद बच पाएंगे आई आई अग्री विद दैट लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर स्मोक के बीच में भी वहां पे हल्का सा गैप था जहाँ से उनकी पोजीशन एक सेकंड के लिए रिवील हुई और प्लस फ्लैंक से भी उनको काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है एट दी एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो फाइनल फाइट होगी वो निगम गैलेक्सी वर्सेज एल्फा सेवन होगी एक थ्री वर्सेज टू की सिचुएशन और देखना होगा कि क्या अल्फा सेवन किसी ना किसी तरह से उस फाइट को जीत सकती है या नहीं आई शॉर्ट अभी भी काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं लॉर्ड किसी भी तरह से चाहेंगे कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट उनकी टीम के पास ही है एक एक्स्ट्रा पॉइंट से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, फ्रीक पानी में डाइव मारी और और की की गोलियों का का शिकार होते हुए इंस्टेंट नॉक फिनिश के तरफ से एक एक-एक एक बहुत खराब डिसीजन था no. उनके हो रहे हैं एक -एक करके एक पिक सिक्योर तो किया है, यहाँ पे आई का, लेकिन बच, देखते ही देखते, आखिरी है और अगर सर्कल अगला वेल well, सर्कल अल्फा सेवन के पास ही जा चुका है जिस चीज की हम बात करने वाले थे अल्फा नाउ स्टैंड्स अ क्लियर चांस एक समय गैलेक्सी चारों प्लेयर्स थे। जी हाँ। दो पानी में गए एक एक करके और दोनों की दोनों की सिर्फ क्रेट सी बाहर आई है और कुछ नहीं यहाँ पर गैलेक्सी आप देखिए गाड़ी लेकर के आगे जा रहे हैं वैन लेकर के बट डैमेज उनको पड़ा है और एडब्ल्यूम का इस्तेमाल हम ओदी करना चाहते हैं क्या क्यों पता नहीं बट अगर काम में आया तो बोलेंगे काफी ओपी शॉर्ट वो मारेगा बट देखना पड़ेगा कि क्या होता है ऑलरेडी उनके पास कारल भी है इस्तेमाल उसका भी रहेगा हम ओदी के ऊपर नेट जा रहे हैं और उनकी एचपी बहुत ज्यादा

but he's in the whip in the vehicle right now still trying to take oh, up the fight oh. but 12 well, alpha Seven they get it what a chaos what a chaos <laughs> <laughs> बहुत ही ज्यादा मजेदार फिनिश था इस मैच का मैं बोलूंगा बट कूदोस टू अल्फा 7 बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने नाम किया है मीरा मार का ये चिकन डिनर निगमा के एलेक्सी के लोग बोलियां दे बुरा लग रहे हैं ओशन सिर्फ गोलियों की बात नहीं है पानी पे इतने प्लेयर्स कमिट करने का डिसीजन क्यों लिया गया आपने राउफ को भेजा ठीक है उस टाइम पे भी आपके पास एक मैन एडवांटेज था बट जब थ्री वी टू सिचुएशन डेवलप हो रही है तब एक और प्लेयर फ्री को आगे कमिट करने का जो डिसीजन था वो बैक फायर किया है यहाँ पे पे गैलेक्सी काफी खराब काफी खराब यहाँ पर चीज देखने को मिली बट अल्फा सेवन एक yeah. जो पिछले गेम में जस्ट बिकॉज एंड जोन दिक्कतों में आई थी इस गेम को अपना बना के गई है। 7, यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन